तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है कि टिकटॉक बैन हो चुका है, और उसके अलावा चाइनीज 59 ऐप भी बैन हो चुका है इंडिया में। तो इसी के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम है सैफ और आपका इस चैनल में स्वागत है, सैफ स्क्वाड के चैनल में स्वागत है। तो वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरी वीडियो देखें। इन 52 चाइनीज वायरस ऐप्स को इंडिया ने बैन कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी के। फ्रेंड, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, टिकटॉक बैन हो चुका है 59 ऐप्स चाइनीज वायरस ऐप्स को लेकर। जैसे कि बॉर्डर पे चल ही रहा है इंडिया से चाइना की लड़ाई जो चल रही है बॉर्डर पे, इसी के समय जो हमें पहले जानकारी मिली थी, आपने मेरी वीडियो देखी होगी पहले, उसमें मैंने ये बताया था कि 59 ऐप्स बताए थे उसमें चाइनीज वायरस ऐप्स थे, जिसमें हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा था, तो हमारा डाटा शेयर हो रहा था उन ऐप से चाइनीज में। तो हमें इस ऐप से खतरा था, इन ऐप से खतरा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने आज 59 ऐप्स को बैन कर दिया। टिकटॉक समेत टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, कवाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन 59 ऐप्स को इन्होंने बैन कर दिया टोटली इंडिया में। कंफर्म न्यूज आ चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के आईटी से कि ये वायरस ऐप सारे बैन हो चुके हैं 59। इसमें बहुत ही, आप ये बताइए कि आपके मोबाइल में कौन कौन से ऐप्स थे, और जल्द से जल्द आप उसको ऐप्स को डिलीट मार दीजिए। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ आई है 2020 में, क्योंकि चाइना से ही वायरस आया था कोरोना का, हम भी इंडिया के साथ ही हैं। तो चलिए, आप अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें जल्द से जल्द। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।